सरस्वती शुगर मिल में इस सीजन में 160 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई का लक्ष्य रखा गया है। पिराई सत्र का शुभारंभ मिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस के सचदेवा ने किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि मिल में सत्र के दौरान प्रतिदिन 12 से 13 हजार क्विंटल और पूरे सीजन में 18-19 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन होता है। उन्होंने बताया कि कोरोना को देखते हुए किसानों की सुविधा के लिए इस बार 42 विक्रय केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पर्ची सिस्टम बनाया गया है, किसानों को पर्ची के SMS की सुविधा भी दी गई है। सीजन में करीबन 18-19 लाख क्विंटल के आसपास होता है और जहां तक प्रतिदिन की बात करें तो पीक सीजन में तो जब हमारी रिकवरी मार्च अप्रैल में पीक पे होती है तो उस समय हम 12.5-13 हज़ार क्विंटल प्रतिदिन भी चीनी की पैकिंग करते हैं, पर औसतन मैं कह सकता हूँ कि 11 से 11.5 हज़ार क्विंटल जो है प्रतिदिन की चीनी की पैकिंग होती है। पिछले वर्ष की तरह हम इस बार अब फिर दोबारा से किसानों को जो भी हमारे यहाँ आ रहे हैं यार्ड में एंटर करेंगे, बिना थर्मल स्क्रीनिंग के कोई किसान एंटर नहीं होता। सब किसानों की पहले थर्मल स्क्रीनिंग होती है। जिन किसानों के पास मास्क नहीं है उनको हम मास्क अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाते हैं। वहीं मिल में गन्ना लेकर आए किसानों ने बताया कि मिल में पिराई सत्र शुरू होने से उनके गन्ने का उचित उठान होगा और उन्हें गन्ने की अच्छी कीमत मिलेगी। क्योंकि किसान गन्ना बीजता है, साल भर मेहनत करता है, खेत में कमाता है, फिर उसको शुगर मिल में ही डाला जाता है जी। अब कारोबार चालू हो गए, किसान खाली बैठा था एक किस्म से तो। और ये तो मिल जो है जी किसान की रीढ़ की हड्डी है, किसानों को लाभ ही लाभ है जी। खेतों में से गन्ना उठ जाएगा, गेहूँ बोई जाएगी, तो मिल का तो किसानों को हमेशा लाभ ही है जी। बहुत खुशी है जी सर, हमारा गन्ना टाइम पे चल रहा है, बहुत खुशी है हमें इसमें। चलो पहले से तो लेट शुरू हुआ है, अभी काम चल रहा था ना यहाँ दूसरा मिल में, तो उसके कारण थोड़ा लेट हो गया। वैसे ठीक टाइम पे है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आया, किसान अपनी गेहूँ बीज लेगा इस अब भी। बहुत लोगों ने काम मिल गया, ठेकेदार है, कुछ सिलाई वाला है, कुछ सिलाई वाला है, बहुत खुश है जैसे।